हेलो एवरीवन, आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोई भी हॉलर का ऑटोमेटिक कैसे बनाते हैं, कोई भी हॉलर ऑटोमेटिक बनाते हैं कैसे, तो उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम प्रॉपर बताएंगे कोई भी रेस मिला है, 2 नंबर हॉलर, 6 नंबर हॉलर, 8 नंबर हॉलर, सभी हॉलर के बारे में बताएंगे जो किस तरीके से ये ऑटोमेटिक किया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि ये चलते समय हीट करता है, तब तो हथेली जल जाता है, ये अंगूठे जल जाता है फिंगर, इसीलिए इसको ऑटोमेटिक करके चलाना बिल्कुल इजी होता है। क्योंकि 10 क्विंटल धान कूटने पे 1.5 घंटे का समय लगता है, 1.5 घंटे कौन खड़ा होकर के इतना देर धान कूटेगा, इसीलिए तो इसके लिए जो है ऑटोमेटिक करना ही बेहतर रहता है। तो इसीलिए हम बताएंगे जो कोई भी राइस मिल को कैसे ऑटोमेटिक किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 8 नंबर हॉलर है, तो इसको हम ऑटोमेटिक करके बताते हैं आपको। तो मैं तो ऑटोमेटिक करके ही चलाते हैं, अभी नहीं, 7 साल से चला रहे हैं, जब से मैं इसको यूज कर रहे हैं तब से ऑटोमेटिक करके ही चलाते हैं। इसमें पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, मुझे पकड़ करके ऐसे डाल के फिंगर डाल के नहीं चलाते हैं हम, क्योंकि हीट करता है तो हाथ जल जाता है, इसीलिए इसको हम कभी भी ऑटोमेटिक करके चलाते हैं। तो चलिए इसको हम ऑटोमेटिक करने का प्रोसेस क्या होता है सारी चीज़ हम बताने वाले हैं, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना आप लोग। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से ये पत्ती जो पहले से लगा हुआ है उसको हम निकाल लेते हैं, और किस तरीके से इसमें लगाना चाहिए तो ये ऑटोमेटिक बनेगा कोई भी राइस मिल, तो सारी चीज़ हम बताएंगे, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना आप लोग। तो जल्दी जल्दी हम इसका पत्ती जो है सबसे पहले उसको हम खोल लेते हैं। यहाँ से एक नट, चेक नट होता है, ऊपर से कसने के लिए देता है पत्ती को, तो इसको हम साइड कर देते हैं, और इसके अंदर जो पत्ती लगा हुआ है उसको हम साइड करेंगे, इसमें नया पत्ती डालेंगे। इसके बाद दिखाते हैं किस तरीके से इसको पत्ती डालना है इसके अंदर, तो ऑटोमेटिक बनेगा। तो फाइनल दोस्तों, अभी हम बिल्कुल पत्ती निकाल चुके हैं, इससे पहले जो पत्ती लगा हुआ था उसको हम निकाल चुके हैं, तो इसको हम फेंक देते हैं इसी के नाप से, नहीं फेंकेंगे तो इसी के नाप से। मुझे यहाँ पे ये चेक कर सकते हो, ये हॉल उधर से दिखाते हैं आप लोग को, ये हॉल के बराबर यहाँ पे देख सकते हो, उसके बराबर आपको पत्ती करना होगा। ये देख सकते हो बिल्कुल इजी जा रहा है, इसमें थोड़ा इधर से गैप है, थोड़ा इधर से गैप है, ये चेक कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको पत्ती लेना होगा, तो इस पत्ती को हम इसी पत्ती से नाप के इसके बाद हम कट करेंगे। ये इसे ऑटोमेटिक बनाने के लिए आपको ये टीन का ज़रूरत पड़ेगा, ये टीन यहाँ पे धान डालने की जो होती है वही टीन को लेना होगा। तो इसको हम कट करेंगे कुछ इतना चौला में, इसके बराबर इसमें जितने होल है उसके बराबर हम यहाँ से कट करेंगे, इतना इतना हम कट करेंगे, इतना चौला करके थोड़ा लंबा लेंगे हम काट के, इसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों सेम हम 2 पत्ती काट चुके हैं, यहाँ पे दो पत्ती बना लिए हैं, क्योंकि 2 पत्ती का ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्कुल आसानी से इधर जा रहा है अंदर में, यहाँ पे बिल्कुल आसानी से चले जा रहा है। तो इसको हम 2 पत्ती काट चुके हैं, तो इसे हम बीच सेंटर से 2 पत्ती एक पत्ती को हम रख देते हैं, एक दूसरे में काम आएगा, दूसरे चीज़ करना है आगे हम बताएँगे उसको क्या करना है। तो दोस्तों इसे हम फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से, स्ट्रेट करके सीधा करके, इसके बाद हम ऐसे 20 सेंटर से माप के इसे फोल्ड करना होगा। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, और इसके ऊपर थोड़ा कुछ इस तरीके से चोट मारेंगे, क्योंकि अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो ये देख सकते हो मैंने यहीं से जो ऑपरेट होता है, तो इसको कोर को ये अलग जा रहा है, देख सकते हो इसको छोड़ते हैं तो ये अलग जा रहा है, तो इसे अलग न देंगे, क्योंकि इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, डबल कर देंगे इस यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों, इसको हम यहाँ से भी फोल्ड कर दिए हैं, तो हैमर की मदद से कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देना है आपको। तो ये देखिए, ये अब अलगेगा नहीं, पूरे बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ गया है। तो अब इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें लग जाएगा, फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें भी थोड़ा सा काम बाकी है, जो किस तरीके से इसे, कैमरा फोकस नहीं कर रहा है क्या, इसको
एक काम बाकी रह गया इसके अंदर, जो और एक काम बाकी है तो उसको बताएंगे आगे। तो सबसे पहले अब दूसरा वाला को इसको हम चार लेयर में फोल्ड करेंगे। सबसे पहले 20 सेंटर से फोल्ड करेंगे इसको। ये दूसरे वाले पत्ती है, यहाँ पे एक पत्ती तो यहाँ पे है, एक पत्ती और दूसरे वाले पत्ती लिए हैं यहाँ पे। तो इसको चार लेयर में फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हैमर नहीं है इसीलिए थोड़ा इसी से हम काम चला रहे हैं अभी। वीडियो का एंड तक देखना क्योंकि आपको इससे ज़्यादा जानकारी जो है ना दूसरे चैनल पे नहीं मिलेगा। आपको हमारे चैनल पे कुछ इस तरीके से जानकारी मिलता रहता है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना आप लोग, क्योंकि आप लोग के वजह से मैं मेहनत करता हूँ। इतना जितने बड़ा इसमें पत्ती लिए थे उतना ही बड़ा ये भी पत्ती लिया है। इसको फोर लेयर में यहाँ पे हम फोल्ड कर चुके हैं। तो ये तो दोनों पत्ती कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक ये अब लगाएंगे इसको, इसके अंदर फिट करेंगे। तो इसको फिट करने से पहले अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं, थोड़ा कपड़े की ज़रूरत पड़ेगा आपको। तो कपड़े लेकर के आते हैं थोड़ा, इसके बाद दिखाते हैं आप लोग को जो इसके अंदर कपड़े क्यों डालना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कपड़े ले लिए थोड़ा, और इसके ये छोटा वाला पत्ती, ये दोनों पत्ती में से बड़ा पत्ती को हम रख देते हैं। ये छोटा वाला पत्ती में क्या करेंगे तो ऐसे कपड़े लपटेंगे, ऐसे थोड़ा मोटा करके, बोलो तो चार पांच लेयर पे कपड़े को लपटना है। यहाँ पे ये कपड़े लपटने का रीज़न क्या आगे हम बताते हैं आप लोगों को। सारी चीज़ हम बारीकी से बता रहे हैं आप लोगों को, तो वीडियो का एंड तक देखते रहिए क्योंकि थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो। तो कुछ इस तरीके से 5-7 लेयर में हम कपड़े को डाल दिए हैं। तो इसके अंदर अब यहाँ पे फिट करेंगे। तो इसको कपड़े लपटे हुए कपड़े को तो यहाँ पे हम इसको ऐसे डालेंगे इसके अंदर, ये देख सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से कपड़े डाल के इसके अंदर यहाँ पे फंसाएंगे। यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको डाल देना है यहाँ पे, अंदर में दिखा देते हैं और एक चीज। तो दोस्तों यहाँ पे हम पत्ती डाल चुके हैं अंदर में। तो कुछ इस तरीके से थोड़ा बाहर करके रखना है। ये पत्ती डालने का रीज़न ये था कि कपड़े डालने का रीज़न ये था कि इसमें डालेंगे ये पत्ती तो ये पिछलेगा नहीं, अच्छे तरीके से बैठा रहेगा। तो अब इसको ऐसे ही लगा देंगे तो भी चलेगा। ये थोड़ा टाइट हो गया है तो इसको लूज रखना होगा, थोड़ा लूज रखना होगा। तो थोड़ा साइड से हम कट कर देते हैं क्योंकि ये टाइट हो गया है, थोड़ा साइज में लंबा हो गया। तो दोस्तों ये यहाँ पे पत्ती हम अच्छे तरीके से काट दिए हैं। तो इसके अंदर अब हम ऐसे करके इसको डालेंगे। इसके बाद ऊपर से थोड़े कपड़े को यहाँ पर टाइट कर देंगे, कोई भी कपड़ा लेके इसको ऐसे इस साइड से ऐसे करके टाइट कर देंगे, क्योंकि इस पर तो ऑलरेडी नट रहेगा, इस पर जो चेक नट खोले थे इससे टाइट होगा। बट इस पर भी थोड़ा कपड़ा डालना होगा यहाँ पे, ये इस तरीके यहाँ पे देख सकते हो, 20 सेंटर पे रख के थोड़ा से यहाँ पे रखना होगा इतना पे। यहाँ पे देख सकते हो इसे दाबते हैं तो इसमें पूरा छेद जाम हो जा रहा है, यहाँ पर छेद जाम हो जा रहा है। उसके सेंटर पर डाल के इस सेंटर पे इसके बाद इसको चेक नट को टाइट करना होगा यहाँ पे, इसको कपड़ा डाल के इधर से। और इसको इसमें फिर भी ये पत्ती जो है स्ट्रेट है, तो इसमें स्ट्रेट होने का कारण क्या है तो इसमें धान आता ही रहेगा। जब हम इसको ऑटोमेटिक कर रहे हैं तो इसमें छोड़ेंगे हाथ को ऐसे दाबे रहेंगे, इसको छोड़ देंगे तो ये धान आना चालू हो जाएगा। तो धान नहीं आने का रीज़न यहाँ पर ये हम बताए थे आपको, ये इसमें थोड़ा सा काम रह गया है तो आपको हम बताते हैं। थोड़ा पकड़िए मोबाइल, इधर आइए। इसमें धान ना आए इसके लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे जब हम इस साइड से तो फोल्ड किए कर भी किए थे, इस साइड से भी थोड़ा फोल्ड करना होगा तो जाके इसमें धान आना बंद हो जाएगा। कोई भी राइस मिल इसे ऐसे में ऑटोमेटिक बना सकते हो ऐसा ही करके। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो,
और थोड़ा फोल्ड कर देते हैं। तो ये कोर को कुछ इस तरीके से फोल्ड करना होगा। ये देख सकते हो थोड़ा सा फोल्ड किए हैं, आपको नज़र आता होगा। तो कुछ इस तरीके से फोल्ड करना होगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए और इसके बाद इसके अंदर फिट करना है। तो कुछ इस तरीके से फोल्ड किए हुए हिस्से को यहाँ पे अंदर की तरफ डालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ऐसे में क्या होगा, तो ये रोक देता है। जब धान आने लगता है चावल के अंदर तो ये रोकता है। यहाँ पे जब आता है चावल तो कुछ इस तरीके से हो करके थोड़ा रोकता है। ये रोकने के कारण इसके अंदर फिर से वापस जाता है, इसमें धान जो भी रहता है वो छूट जाता है अंदर, इसके बाद फिर से वापस आता है। तो कुछ इस तरीके से फोल्ड करना होगा। तो इसके बाद ऐसे करके इसके अंदर डालना है। इसके बाद हम कपड़े को अच्छे तरीके से डाल के उसको भी टाइट कर देते हैं ऊपर से। यहाँ पे जितना कपड़ा लगता है आपको उतना ही लगाना है इसको यहाँ पे। ये ध्यान में रखना होगा, इसको हम देख सकते हो यहाँ पे आपको नज़र आता होगा। इधर देखा, ये थोड़ा नीचे यहाँ पे हम इसको दबाते हैं, ये पत्ती को दबाते हैं। तो इसको थोड़ा सा गैप रहता है अंदर में, चावल आने का थोड़ा सा गैप रहता है। तो कुछ इस तरीके से हम दबाते हैं। तो यहाँ पे हो गया है। तो इसको कपड़े को ऐसे टाइट करके इसको हम टाइट करेंगे। बस ऑपरेट करेगा यहाँ, यहीं से ऑपरेट होगा, यहीं से, यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, इसको हम ऐसे डाल के देखो, थोड़ा सा दबा दिए हैं, थोड़ा नट दाब के। हाँ, ज़्यादा अधिक कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, तो इसको थोड़ा आगे करना होगा। इसको कम ज़्यादा करना होता है। एक बार सेट हो जाता है तो इसको कम ज़्यादा करने से कोई अथ नहीं रहता है, इशूज नहीं रहता है, इसे कम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो अब देखो इसको हम ऊपर की तरफ खोलेंगे तो ये लूज हो जाता है, ये लूज होता है ऐसे, ये बिल्कुल लूज होता है। इसको हम टाइट करेंगे तो ये दब जाएगा। ये देखो जितना दबेंगे ये बिल्कुल सट गया है, ये बिल्कुल जाम हो चुका है। तो इसको हम जाम नहीं करना है। तो कभी कभी इसको थोड़ा ऐसे करके, ये थोड़ा हार्ड पट्टी भी ले सकते हो इसके अंदर, इसके ऑटोमेटिक बनाने के लिए। तो कुछ इस तरीके से टाइट किया जाता है, यहीं से अब ऑपरेट होगा। जितने पे आपका चावल साफ निकल रहा है उतना पे इसको दबाइए, इसको टाइट कर दीजिए, इस चेक नट को उतना दाब के छोड़ दीजिए। फिर इसको लूज करोगे तो ये ऊपर ऑटोमेटिक ऊपर अलगेगा। यहाँ चेक कर सकते हो, देखियो इसको हम दाबेंगे तो ये पूरे टच हो चुका है नीचे। इसको हम फिर खोलेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिक बन जाता है। और एक बात, यहाँ पे लोड एडजस्ट करके खोलना होगा आपको, जो कितना पे यहाँ पे ऑटोमेटिक करते समय आपको यहाँ से छोड़ देना है। इसके बाद इसको यहाँ से छोड़ना, जितने पे रखना है उतना पे टाइट कर दीजिए। जितने पे चावल में थोड़ा भूसा कम लाना है तो इसको टाइट कर दोगे, और यहाँ से लोड कम करोगे, इस जगह से लोड कम करोगे तो चावल में भूसा कम आएगा, ना के बराबर आएगा, और यहाँ पे धान भी नहीं आएगा और ना के बराबर। यहाँ से लोड जो है ना आपको खोलने के लिए थोड़ा सा पत्ती पहले खोलना होगा, इसके बाद जितना लोड आप दे सकते हो उतना पत्ती खोलिए यहाँ से। और जितना लोड आपका ट्रैक्टर ले रहा है या कोई राइस मिल करंट पर चला रहे हो तो करंट पर जितना चल रहा है लोड ले रहा है उतना पे चलाइए। तो उतना पत्ती यहाँ से खोलना होगा धान डालने के लिए। तो आई होप कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा जो किस तरीके से ऑटोमेटिक बनाते हैं कोई भी राइस मिल को, ऐसा ही ऑटोमेटिक बनता है ये। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।